अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस कुछ ईयर के पेपर्स के एनालिसिस करेंगे तो आप क्लियर ट्रेंड देखेंगे कि जो आपका जीएस सेकेंड पेपर है उसके अंदर मैथ के प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको जीएस का सेकेंड पेपर क्रैक करना है तो मैथ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली मैथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स में प्रॉब्लम आए हुए हैं उनका कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमने कंटिन्यूअसली डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका क्या कंप्लीट आंसर होगा, उसके अलावा कुछ ट्रिक्स हैं तो कुछ ट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कस करते जा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप लोग कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहिए और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप करते रहेंगे तो आसानी से आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं। जिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, इन एन एग्जाम 30% स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस, 36% फेल्ड इन मैथ, वेयर एज 18% फेल्ड इन बोथ साइंस एंड मैथ, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इज। अब ऐसे प्रॉब्लम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात की है, तीन अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज की बात की है, कहीं पे परसेंटेज नहीं हो सकता है, वहां पे टोटल कुछ अमाउंट हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, इसका भी एक एग्जाम्पल हम और भी डिस्कस करेंगे, तो ऐसा कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि अगर यहाँ पे डेटा शुरू किया इन्होंने फेल से, तो जो तीनों यहाँ पे डेटा होगा ना वो फेल वाला ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इतने परसेंट फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, इतने परसेंट फेल हो गए दूसरे सब्जेक्ट में, और इतने परसेंट फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में, तो फेल वाला ही हिसाब है, सारा फेल वाला ही हिसाब होना चाहिए जो हम ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए। अगर इसमें कोई एक फेल की जगह पास वाला आ जाता है तो परसेंटेज में आपको पता है 100 में से उतना परसेंट अगर होगा कोई फेल या पास तो उसका उल्टा, मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला उसको क्या यूज करना है कि जो दो अलग अलग सब्जेक्ट वाले यहाँ पे फेल या पास होंगे उन दोनों को कर देना है आपको ऐड, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है जो दोनों का मिला के परसेंटेज होगा उसको, और ये जो आपका सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आता है कि कितने परसेंट आपके टोटल स्टूडेंट फेल हुए हैं अगर हिसाब फेल का है तो, और ये आ जाएगा कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं अगर तीनों डेटा पास का होगा तो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फेल हो गए यहाँ पे साइंस में 30% और फेल हो गए मैथ में 36%, मिल के कितने होंगे उसको देख लेंगे और उसी में से माइनस कर देना है जो दोनों में फेल हुए हैं उनका। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 48%। जो 48% है ये क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु फेल्ड। आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, ये क्या हो जाएगा 100 में से इसी को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कितने स्टूडेंट पास हो गए, तो ये हो जाएगा 52%, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा उसको इसी ट्रिक से सॉल्व करना हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज नहीं है, टोटल अमाउंट यहाँ पे 130 है, यानी आपका डिस्कशन इसी 130 से करना है, ठीक है। 62 फेल्ड इन साइंस, 52 फेल्ड इन इंग्लिश एंड 24 फेल्ड इन बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, ठीक है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे फेल्ड हुए पहले हम वो निकालेंगे। तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो साइंस में कितने फेल हो गए 62, ठीक, और इंग्लिश में कितने फेल हो गए 52, इन दोनों को ऐड कर दिया और इसमें से जो दोनों में फेल हुए उनको माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 पर माइनस कर दिया 24, तो आ गया 90, मीन्स टोटल 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुए एग्जाम में फेल्ड हो गए। आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड होंगे वो क्या होगा, अगर ये परसेंटेज होता तो 100 में से माइनस करते, ये परसेंटेज है नहीं, टोटल स्टूडेंट 130 दिया है, इसको 130 में से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दोगे तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे 40 स्टूडेंट, यहाँ पे 40 स्टूडेंट थे जो
पास हुए हैं एग्जाम, ठीक है। इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।